हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज के बारे में बताया था, जिसमें हमने ये बताया था आपको कि कोई पॉइंट को अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट करूँगा तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए थे रोटेशन के बाद वो हमें मिले थे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। ये बहुत ही फंडामेंटल था कि अगर मैं पॉइंट को रोटेट करूँगा तो हमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया था। यहाँ पर हमारा जो काम है बेसिकली क्या है, हम इस लेक्चर में आपको जितने भी फार्मूले आपकी इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं और आप जो भूल जाते हैं, उन फार्मूलों को हम इस तरह से बताएंगे कि आप अगर भूल भी गए तो आप फिंगर टिप्स पर आप थोड़ा सा मेमोराइज करोगे तो चीज़ें बना लोगे पेपर में विद इन 5 मिनट्स के अंदर सारे फार्मूले। तो यहाँ पर हम बेसिक फार्मूलों पर ज़्यादा जोर देंगे जो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, जितने भी इंजीनियरिंग के ये पेपर्स होते हैं या जो भी हम पेपर गेट में देखते हैं उनमें बहुत सारी जगह ये फार्मूलों का इस्तेमाल होता है। तो इस फार्मूले को जो हम बताने जा रहे हैं, आपको एक टेक्निक्स बताते हैं आपको याद कैसे करना है। तो याद करने की टेक्निक्स क्या रहेगी वो देखते हैं। चलिए, तो चलिए, हमारा इस लेक्चर में मेन मोटो है कि हम फार्मूलों को पढ़ना चाहते हैं, जो फार्मूले हैं हमारे, और उन फार्मूलों की मदद से हम किस तरह से करने वाले हैं इस चीज़ को देखेंगे। चलिए आ जाते हैं। तो हम फिंगर टिप्स पर ये फार्मूले रख लेंगे। देखो कैसे यहाँ पर समझते हैं, हमने क्या समझा था पहले, हम प्रीवियस क्लास जो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखिए उसको। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर, यहाँ देखना ध्यान से, अगर मैंने अल्फा एंगल रोटेट किया था, यहाँ देखना अल्फा और फिर मैंने किया था बीटा, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए थे वो क्या आए थे, कॉस अल्फा प्लस बीटा। अगर नहीं देखा है लेक्चर तो आप जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नई पता चलेंगी, ये आ गए थे हमारे, क्लियर। लेकिन हमारा इस लेक्चर में ये काम है कि ये फार्मूले आपको याद नहीं रहते हैं, तो इन फार्मूलों को कैसे याद करें मैं आपको बताता हूँ। विद इन 10 मिनट के अंदर हम सारे फार्मूले सीख लेंगे, इस लेक्चर का यही मोटो है। और अन्यथा ट्रिग्नोमेट्री आपके इतना इंजीनियरिंग में जितना यूज़ होता है उतना आपका काम का मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए, तो हमें क्या मिला था, यहाँ देखना साइन अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, अगर आपको रिमेम्बर हो साइन अल्फा, यहाँ ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा हुआ है। दूसरा फार्मूला आया था कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये हमें मिला था कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी प्लस, ये फार्मूले हमें दोनों मिल गए थे। हमने आपको क्या बताया था, अगर इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, तो देखो यहाँ पर इस वाले फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करो, मतलब माइनस लगाना है, तो देखो क्या बनेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन अल्फा सेम रहेगा, मेमोरी टेक्निक्स में दिमाग में रख लो, कॉज अल्फा साइन बीटा, क्लियर, बस माइनस लगा दिया हमने। इसका क्या बनेगा, यहां देखो कॉज अल्फा माइनस बीटा, ये बनेगा कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने चारों फार्मूले, मैंने प्रीवियस क्लास में दो फार्मूलों के बारे में आपको बताया था, लेकिन यहां पर ये जो जितने भी फार्मूले हमारे बन के आए हैं, ये साइन अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये सारे फार्मूले हमने बना लिए। अब इन फार्मूलों की मदद से, सिर्फ चार फार्मूले बेसिकली, तुमको कौन से फार्मूले याद रखने हैं, एक ये याद रखना है हमेशा, एक ये याद रखना है, ये दो याद रखने हैं, और दोनों का हमने ड्राइव आपको करके दिखाया हुआ है, राइट। तो यहां देखो, अगर ये आपके मेमोरी में है तो आप इससे ये बना लेंगे, ये कन्फर्म है, क्लियर। अब इनकी मदद से अराउंड में 15 से 16 फार्मूले बनाऊंगा आपके सामने, और आप भी सीख जाएंगे कि फार्मूलों को याद कैसे रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ समझते हैं, यहाँ देखिए
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सारे फार्मूले बना लेते हैं यहीं पर। देखो पहला, सबसे पहले साइन के देखते हैं। तो यहाँ देखो साइन फार्मूला लिख लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर बराबर, यहाँ देखो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये दोनों फार्मूले हमने बना लिए, ये हम जानते हैं, नोन है ये। तो इनको मान लो इक्वेशन नंबर वन और इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू। अब देखो यहाँ पर कैसे फार्मूले बना सकते हैं हम। यहाँ देखो हम क्या करें, सबसे पहले हम ऐड कर दें इन दोनों फार्मूलों को, तो देखो एक नया फार्मूला बन के आ जाएगा। हम क्या करें, बोथ आर ऐड, ऐड कर दिया। तो ऐड किया, क्या निकल के आया, देखो यहां पर बड़े ध्यान से, जब भी हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें प्लस लगाओ, क्या आया देखो, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर। अब देखो यहां पर जब भी हम प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, राइट, और ये भी प्लस होगा, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, टू साइन अल्फा कॉस बीटा, बन गया फार्मूला। अगर आपसे कोई पूछे कि टू साइन अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला क्या है, आपके सामने टू साइन अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला आ गया, एक बना लिया हमने, ये बन गया आपका तीसरा फार्मूला। ये बहुत यूज होता है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में, सिग्नल में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, हर जगह इस तरह के फार्मूले लगते हैं। अब क्या करें, अब कर देते हैं उल्टा, बोथ आर सब्सट्रैक्टेड, एक नया फार्मूला मिल गया, क्या मिला देखो यहां पर, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर। जब हम माइनस करेंगे तब क्या मिलेगा, देखो यहां पर माइनस किया तो ये माइनस आ गया, यहां माइनस किया तो ये कट गया, यहां माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, टू कॉस अल्फा साइन बीटा, ये दूसरा फार्मूला आ गया ऐड करने पर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, एक बार ऐड करो और एक बार सब्सट्रैक्ट करो। इनकी फिलॉसफी क्या है उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले हम फार्मूले देख लेते हैं पहले पूरे। ये आ गया हमारा न्यू फार्मूला, दिस इज फोर। तो देखो तुमने चार फार्मूले तैयार कर दिए, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्लियर है इतना बात। तो हमने चार फार्मूले बना लिए हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, टू साइन अल्फा कॉस बीटा, टू कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हम और फार्मूले बनाते हैं, देखते हैं कौन से फार्मूले बनाएंगे। यहां पर देखो यही यहां बना देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, इट्स बेटर। अच्छा यहां देखो अब और फार्मूले बनाते हैं। अब यहां पर क्या फार्मूला बनाना है, यहां देखो अब बनाते हैं कॉस का, कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख लो क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहां लिख लो कॉस अल्फा माइनस बीटा का क्या हुआ, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको मान लो पांच नंबर, इसको मान लो छह नंबर, चार फार्मूले तो बना ही लिए हमने। अब हम इसको भी वही काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे आपके, दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो बोथ आर एडेड, यहां देखो बोथ आर ऐड, ये पहला काम है। तो ऐड करो, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्लियर है, प्लस कर रहे हैं। तो जब प्लस किया तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए तो क्या मिला, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्लियर, एक ही आ गया। अब दोनों माइनस करो, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये क्या मिल गया देखो। तो अब इसको निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ये यहां पर देखो ध्यान से, ये माइनस होगा कट गया, ये माइनस, तो माइनस
टू साइन अल्फा साइन बीटा, इसको रिवर्स करके लिख दो क्या बनेगा, इसको पहले ले आओ क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो कॉज अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉज अल्फा प्लस बीटा बराबर टू साइन अल्फा साइन बीटा, ये बन गया सेवन नंबर, ये बन गया एट नंबर। तो हमने कितने फार्मूले बना दिए, हमने आठ फार्मूले बना दिए विद इन सेकेंड्स के अंदर। तो एक फार्मूला क्या बन के आ गया, देखो एक बन के आ गया ये वाला, एक बन के आ गया ये वाला, बना दिए हमने चार फार्मूले टोटल यहां पर भी, तो हमने टोटल आठ फार्मूले बना लिए। अब देखो और फार्मूले कैसे बनेंगे, अगर बनाना है हम पहले वाले में ही देखते हैं। यहां देखो अगर मैं इसमें, यहां देखना आप ध्यान से, साइन वाले में, इस वाले में यहां देखो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहां देखो यहां पर एक क्या हम दिमाग लगाएं कि अगर अल्फा की जगह बीटा रख दें, अल्फा की जगह क्या रख दें बीटा, सेम कर दिया मैंने, देखो यहां पर इसको डार्क कर दिया, ये कर दें अल्फा बराबर बीटा, तो फार्मूला क्या मिला देखो, इसमें रख दो साइन टू अल्फा बराबर टू साइन अल्फा कॉज अल्फा, एक ये फार्मूला आ गया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चार हैं बस, अगर ये चार याद हैं तो आप सारे बना सकते हो, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। अब दूसरा वाला बना लेते हैं, देखो कॉज अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्लियर। अब देखो यहां पर रख दो अल्फा बराबर बीटा, तो यहां क्या मिला देखो, कॉज टू अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये नया मिल गया हमें, ये आ गया एक फार्मूला, एक फार्मूला ये आ गया, क्लियर। अब देखो इसी को अगर हम चेंज कर दें तो क्या बन जाएंगे, कॉस टू अल्फा के तीन फार्मूले बन जाएंगे, ये बन गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा और टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। यहां देखो तीन ये बन गए, चार सात और ग्यारह, हमने टोटल मात्र दस मिनट के अंदर हमने कितने फार्मूले बना लिए, हमने ग्यारह फार्मूले बना लिए। तो क्या किया, आपको पता होना चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा प्लस बीटा, अगर साइन अल्फा प्लस बीटा पता है तो साइन अल्फा माइनस बीटा पता चल जाएगा, कॉज अल्फा प्लस बीटा पता है तो कॉज अल्फा माइनस बीटा पता चल जाएगा। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें दो फार्मूले मिल गए साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में। कॉज अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा माइनस बीटा को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया तो वहां पर दो फार्मूले मिल गए हमें। अब देखो दो फार्मूले, ये तो हमारा हो गया यहां तक की जर्नी, अब आगे आते हैं हम, यहां देखते हैं। अब यहां देखो ये हमने चार फार्मूले यहां बना लिए, अब और फार्मूले बनाते हैं तो देखो कैसे बनाएंगे नेक्स्ट फार्मूले। यहां देखो बड़े ध्यान से, अब हमने क्या किया, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, यहां ध्यान से देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा राइट, या आप यही बनाओ और अच्छा है। यहां देखो क्योंकि बार बार फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा, यहां पर बनाओ, ये आया था देखो। अब यहां पर क्या करें, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह सी मान लू, यहां देखो एफ अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अल्फा माइनस बीटा बराबर डी, ये कर लेते हैं राइट। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो यहां पर अल्फा बराबर मिल जाएगा सी प्लस डी बाई टू और बीटा बराबर मिल जाएगा सी माइनस डी बाई टू, ये मिल गया हमें। चलो अब और फार्मूले बन गए, देखो कैसे दो यहां बने, कैसे देखना यहां पर, तो यहां पर रख दो अल्फा प्लस बीटा बराबर सी, तो एक बना साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यही आ गया देखो। तो एक नया फार्मूला और बना लिया हमने, वो फार्मूला ये आ गया, क्लियर। एक फार्मूला और बना लेते हैं इसकी जगह फिर से, यहां देखो साइन सी
माइनस साइन डी, ये क्या बन गया, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। ये लो और फार्मूले बना दिए हमने, ये बन गया एक, ये बन गया एक। तो हमने यहां पर और फार्मूले बना दिए साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा में। अब कॉस में भी यही हम बना सकते हैं, यहां देखो कैसे, बड़ा सिंपल है कि अल्फा प्लस बीटा की जगह सी ले लो, अल्फा माइनस बीटा की जगह डी ले लो, तो अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, यहां देखना ध्यान से, वही सेम चीज क्या मिला, सी प्लस डी बाई टू और बीटा बराबर सी माइनस डी बाई टू। फिंगर टिप्स पे हैं तुम्हारे फार्मूले, तो अब यहां पर बना लो, यहां पर देखो बनाते हैं तो क्या बना, यहां देखो इस वाली इक्वेशन में रखते हैं तो कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या आया, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। एक ये फार्मूला बन के आ गया भाई, एक ये बन के आ गया, क्लियर। दूसरा क्या आया, दूसरा देखो, दूसरा बन के आ गया, यहां देखो दूसरा क्या आया, कॉस डी सॉरी अल्फा माइनस बीटा, अब क्या सॉरी यहां पर माइनस है बच्चे, यहां माइनस है कॉस, यह माइनस लगा राइट। अब क्या बन के आ गया, नीचे वाला फार्मूला देखो, कॉस डी माइनस कॉस सी बराबर क्या, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। एक फार्मूला और बन के आ गया, तो हमारे पास टोटल कितने फार्मूले हो गए, अब देखो एक दो तीन चार, टोटल चार ये हो गए। और देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर हमने बना लिए चार फार्मूले, यहां पर हमने, यहां पर कितने बना लिए, यहां बना लिए हमने अराउंड चार से पांच फार्मूले, तो टोटल हमारे पास अराउंड 15 फार्मूले के लगभग हो गया, जिनको आप इजीली याद कर सकते हो। तो हमने क्या क्या बना लिया, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, टू साइन अल्फा साइन साइन बीटा, टू और कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा से बना लिया हमने। इसके अलावा हमने साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा को बना लिया। इसके अलावा हमने साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये बना लिए। तो हमने टोटल अराउंड यहाँ पर लमसम 15 से 20 फार्मूले बन चुके हैं, 15 फार्मूले तो हमने बनाई दिए राइट। अब देखो, अब आपको दो फार्मूले और याद रखना है बस, इसके अलावा आपको और कोई फार्मूले निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मान लो इनके साइन थ्री अल्फा का फार्मूला निकालना है, मान लो साइन थ्री अल्फा निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बीटा की जगह क्या रख दो, थ्री अल्फा रख दो। अब आपके पास टू अल्फा वाला है ही, तो आंसर निकल आएगा अपने आप। अगर आप इससे ज़्यादा फार्मूले याद करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आप अपने ब्रेन को क्या करेंगे, हैम्पर करेंगे और गार्बेज ही डालेंगे उसमें राइट। तो आपको जितना नीड है बेसिक रिक्वायरमेंट की, अगर इतने फार्मूले याद हैं तो आप सब कुछ बना सकते हैं राइट। अब देखो, दो फार्मूले आपको और याद रखने हैं, इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है राइट। क्या, यहाँ देखो, एक रखना है आपको टैन अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा माइनस वन माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा। एक तो ये याद करना है आपको हमेशा के लिए राइट। दूसरा इसी को रिवर्स कर दो, टेन अल्फा माइनस बीटा बराबर टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। क्लियर है, ये दो फार्मूले और याद कर लीजिए। तो हमने आपको बहुत सारे फार्मूले बता दिए, हम एक बार लिखेंगे। एक हमने आपको बता दिया साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर हमने बता दिया आपको साइन अल्फा माइनस बीटा, हमने बता दिया आपको टेन अल्फा प्लस बीटा, हमने बता दिया आपको टेन अल्फा माइनस बीटा, ये सब सारे कर लिए हमने। फिर हमने और क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा साइन टू अल्फा, फिर हमने आपको बता दिया कॉस अल्फा प्लस बीटा। क्लियर, कम समय में आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए, बस एक बार हमको याद दिलाना था आपके सोए हुए दिमाग को, वो हमने दिला दिया, ये सीख लिया। इसके अलावा हमने ये भी सीख लिए कॉस सी
प्लस माइनस कॉस डी, फिर हमने सीख लिया साइन सी प्लस माइनस साइन डी, फिर हमने सीख लिया टू साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर हमने सीख लिया टू कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर हमने सीख लिया टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर हमने सीख लिया टू साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर? इसके अलावा हमने और क्या देख लिया? कॉस टू अल्फा, और इसके हमने तीन फार्मूले भी देख लिए। तो अब देख लो तुम कितने फार्मूले आपने जल्दी सीख लिए हैं। तो बेसिकली आपको जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं क्या हैं इसमें, जिनको फिंगर टिप्स पे रखना है, एक इस वाले को, ये देखो मैं बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ये और एक ये, बस। अगर ये दो आपको मेमोरी में हैं तो आप सारे वीडियो को ईजिली समझ सकते हैं, अपने आप फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव करने के अलावा क्या कर सकते हैं? अपनी फिंगर टिप्स पर रख सकते हैं। क्लियर? इस वीडियो का यही मोटो था। इसके अलावा और हमें कुछ ऐसा नहीं बताना था आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं। जब मेरी ज़रूरत होगी तो मैं और वीडियो बना दूंगा। अभी इस वीडियो का यही ज़रूरत थी कि आप किसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को अपने फिंगर टिप्स पर रख पाएँ, जिससे कि आपको जब टेक्निकल पेपर पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स के पेपर पढ़ रहे हो तो अगर कहीं पर ये फार्मूले यूज़ हों तो आपको भले याद ना आए, लेकिन आपको दो फार्मूले अगर पता हैं तो आप कोई भी फार्मूला ईजिली बना सकते हो। अगर मान लो थ्री का बनाना है, देखो मैं लिख देता हूँ फॉर साइन थ्री अल्फा कॉस थ्री अल्फा और टेन थ्री अल्फा, ये हमें तीनों फार्मूले अगर बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें फार्मूले में बीटा की जगह क्या रख देना है? थ्री अल्फा रख देना है। तो आप बीटा की जगह जैसे ही थ्री अल्फा रखोगे, आपको टेन थ्री अल्फा, साइन थ्री अल्फा और कॉस थ्री अल्फा के तीनों के फार्मूले मिल जाएंगे। क्लियर है इतना बात? तो बस अब हम इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। इतना बात आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर क्या करने आए थे और हमने कैसे आपको सिंपल वे में फार्मूलों को आपको लर्न करना बता दिया, राइट? इसके अलावा इस वीडियो का कोई और उद्देश्य नहीं था कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री को फिर से ग्रिल किया जाए, ट्वेल्थ वाली चीज़ को, ऐसा बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर बस मैं आपको सिंपल बताने आया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को आप फिंगर टिप्स पे अपने रख सकते हैं, अगर आपको साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा आपको पता है तो। क्लियर? चलिए बच्चे, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।